डोंट बिल्ड अ गेमिंग पीसी टुडे। वैसे तो ये बात मेरी सोल को क्रश कर रही है, बट स्टिल डोंट बाय अ गेमिंग पीसी, इंस्टेड बाय अ प्रीबिल्ट। अभी के ग्राफिक कार्ड और रैम प्राइजेस स्काई रॉकिंग हो चुके हैं। अनलेस यू आर बाइंग एन एंट्री लेवल गेमिंग कार्ड, अगर आप इस वक्त एक डिसेंट गेमिंग कार्ड को बाय करते हैं तो वो अपने प्राइस के डबल सेल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप GTX 1050 Ti को ही ले लो, वो सेल होता था 11,000 टू 13,000 के रेट के बीच में, पर इस वक्त वो वूपिंग 22,000 का सेल हो रहा है। भाई एक ग्राफिक्स कार्ड पसंद आया 150 Ti नाम का, सुना 12,000 का आता, परचेज करना ऑनलाइन लो या ऑफ? भाई वो इस वक्त 22,000 का सेल हो रहा है अमेज़न पर, तो बोल ऑर्डर कर दूं कि नहीं? अरे बोल भाई, अरे बोल ना। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सबॉक्स वन एक्स ले लें, जो कि 40,000 का इस वक्त सेल हो रहा है। और इस एडवाइस को आप तब तक के लिए लेकर चलें जब तक GPU के प्राइसेस घट नहीं जाते। और आपको लग रहा है कि पेन इन द बट होल खत्म हो चुकी है, तो थोड़ी देर रुक लें क्योंकि अभी दर्द बाकी है। रैम के प्राइसेस इस वक्त डबल से ट्रिपल हो चुके हैं, क्योंकि जो रैम मेकिंग इंडस्ट्रीज है, जो जहां पर ये हार्डवेयर डेवलप होता है, वो इस वक्त की डिमांड के साथ कोप अप नहीं कर पा रही है। अब मेन क्वेश्चन है प्रीबिल्ट वर्सेस डू इट योरसेल्फ गेमिंग पार्ट्स। चीजें प्रीबिल्ट गेमिंग इंडस्ट्री की दुनिया में इतनी खराब अभी नहीं है, क्योंकि वेंडर्स लाइक HP, Lenovo एटसेट्रा बाय द कंपोनेंट्स इन बल्क, विच कीप्स द कॉस्ट डाउन। बाय PCs, डोंट बिल्ड देम। प्राइस गैप तो वैसे धीरे धीरे कम होता जाएगा जिस तरह आप लो एंड के ग्राफिक कार्ड में जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 750 Ti ले लें, बट स्टिल दे आर कॉस्टिंग मोर देन 40,000 to 50,000 ऑफ देयर ओरिजिनल कॉस्ट, विच इज समथिंग नोटिसेबल। और आप जैसे ही अपना बजट थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो हो सकता है आपको अपना घर भी बेचना पड़ जाए। And you can literally save thousands of Indian rupees by just picking up the boxed one PCs or buying an Xbox One X. I know कि जब आप एक pre-built PC purchase करते हैं तो वो freedom और orgasm वाला मजा नहीं आता। वैसे वो orgasm तब आती है जब आप अपना PC first time boot up करते हो। But hey, अगर आप एक pre-built PC लेते हो या एक Xbox One X जैसा console लेते हो, तो आपको literally thousands of rupees richer बना देगा। वैसे क्या ये मैंने पहले मेंशन नहीं किया? फिंगर्स क्रॉस्ड दीज डेज विल पास सून, पर ये तब तक इम्पॉसिबल ही नजर आ रहा है जब तक बिटकॉइन का सर्वनाश ना हो जाए। मेरा सर्वनाश कर देगा। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ यू डिड देन डू प्रेस दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाना मेरे हजूर। एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टू स्वीट।